वही कंस के समय का कुआ क्या है? ये 5000 वर्ष पुराना कुआ है, इसी कंस के किले में ही ढला हुआ कुआ है। ये इस जगह से पानी खींचा करते थे, यहाँ से कुआ उस ओरे में कुआ भी, और इधर से ये वही कंस के समय का कुआ है और बहुत गहरा है। बिल्कुल वही रास्ता है मैन कंस के किले का, जैसे हमारे गाइड ने बताया। ये नीचे के बेसमेंट का रास्ता है, जो गेट लग रहा है कि बंद कर दिया गया है यूपी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस किले के अंदर कहा जाता है कि लोगों के कहना है कि किले में जो भी जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में बताइए। ये बहुत पुराना पत्थर है, 5000 वर्ष से भी पुराना पत्थर है। वेलकम टू माई YouTube चैनल, मैं हूँ सचिन और आज मैं जर्नी करने आया हूँ कंस का किला। और इससे पहले जो मैंने मथुरा में दिखा है आपको निधिवन, प्रेम मंदिर, मदन मोहन टेम्पल, अब मेरी जर्नी आप पहुंची है कंस का किला। आप मेन दरवाजा देख पा रहे हो, ये है कंस का किले का दरवाजा, मेन दरवाजा। ये एक कंस के किले का मेन दरवाजा है। यहाँ से जो डिस्टेंस है आपके किले का वो सिर्फ 200 मीटर का डिस्टेंस है, आपको सीधा सीधा चलना होगा यहाँ से। और आपको कंस का किला, ये वही किला है, आप 5000 वर्ष पुराना वही किला आपको देखने का मिलेगा जो कंस का किला हुआ करता था। और इसी के जस्ट बगल में आपको यमुना नदी देखने को मिल जाएगी, वही यमुना नदी है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास बात यह है, जो इस एरिया की बात बोलूँ तो इस एरिया का नाम है महिला विश्राम घाट। इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कंस की पत्नी थी उन्होंने यहाँ पर समाधि ले ली थी। समाधि का पूरा कुम्भ बना हुआ मेरे सामने, मैं आपको दिखाऊंगा कुम्भ बनाया हुआ, आज भी पूरा का पूरा वही 5000 वर्ष पुराना कुम्भ आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ एक बार सही से, एक बार तो यही वो कुम्भ है जो आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए ऊपर की तरफ बिल्कुल, तो आप टॉप पे भी देख सकते हैं, ये वही कुमत है। और हमको इस रास्ते से निकलना है, अभी कंस के किले के लिए इस रास्ते से निकलना है। और यहाँ से जो 200 मीटर का डिस्टेंस है किले का, तो चलते हैं बिना देरी करे, बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे ब्लॉग में। तो चलते हैं बिना देरी करे। जैसे ही आप कंस किले घूमने आते हैं तो यहाँ पर आपको यमुना नदी देखने को मिल जाएगी, जैसे सटे ही इसके यमुना नदी आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरी यमुना नदी है और ये एक आश्रम मिलता है, इसको महिला आश्रम घाट भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं, नहाने की भरपूर सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर पूरी सुविधा है। आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं, आप बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी आपको बोट देखने को मिल जाएगी। और जो बोट का अधिकतम जो चार्ज है वो सिर्फ 50 रुपये चार्ज है यहाँ पर, और आपको ये इस पार से उस पार लेकर जाएगी। जैसे उस पार भी आपको नाव देखने को मिल रही है, ये उस पार आपको लेके जाएगी, वहाँ पर भी आप जाके एक पार, और 50 रुपये इसका चार्ज है। तो कंस किले आते हैं तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। तो आप चलते हैं जल्दी से फटाफट से कंस किले की तरफ और देखते हैं कैसा कैसा वहाँ का नज़ारा है। तो चलते हैं बिना देरी करे। तो मैं कंस महल के जो दरवाज़ा था वहाँ से थोड़ी दूर आ चुका हूँ और यहाँ से हम बोटिंग करने वाले हैं। अभी जस्ट मैं यमुना नदी के जस्ट सटे ही बगल में ही खड़ा हूँ, और यहाँ से जो बोटिंग का जो चार्ज है वो सिर्फ 50 रुपये है। और इनसे भी जानते हैं कि कितना चार्ज है, तो अभी ये कितना चार्ज है बोटिंग का, थोड़ा तेज बोलिएगा, है ना? 50 रुपया पर हेड उस पार से ऐसे कंस के लिए छोड़ने का, घुमाते हुए। किधर छोड़ोगे? कंस का महल, कंस के महल। और यहाँ से कंस का महल कितनी दूर है? आगे लाल वाला उधर है, पीपर की पेड़ के पास। तो 50 रुपये चार्ज है कंस के महल का, और यहाँ से वो बिल्कुल लाल रेड कलर का है वही कंस का महल है, और इससे हम बोटिंग करेंगे और ये सिर्फ 5 मिनट में हमें कंस के महल पहुँचा देगा।
तो जल्दी से चलते हैं बिना देरी करे और आनंद लेते हैं बोटिंग का, कैसा मजा आता है बताता हूँ आपको पूरे ब्लॉग में, तो बने रहिएगा। तो हमने बोटिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है और यहाँ से वो कंस का मेन जहाँ से थोड़ा थोड़ी सी दूर है और आनंद बहुत मजा आ रहा है। और आप जब भी यमुना नदी के पास में आते तो बोटिंग करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत अच्छी है। और नदी की मैं बात बोलूँ तो बहुत यमुना नदी बहुत ज़्यादा साफ है, देखिए बहुत ज़्यादा साफ है। और मैं बस पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है और कुछ ऐसा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये देखिए पानी पूरा खारा है, ये बहुत ज़्यादा खारे पानी है। और इसकी गहराई की बात बोल दो मगर जो तट है, जो नदी के तट है वहाँ पर तो आपके घुटनों तक पानी आएगा और आप बीच में आते हो तो आपका पानी भाव से ऊपर बढ़ जाएगा। ये अभी हम बीच में पहुंच चुके हैं, देखिए बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा पानी है इसके अंदर। और इसका जो 450 को जो मैंने बता ही दिया आपको, और बहुत आनंद आ रहा है, एक बार दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ से कि कितना मज़ा आ रहा है। कंस किले पर, और आप कंस किले का कुछ नजारा ऐसा है आप देख पा रहे हैं। कंस किला आज भी इस साइड देखो तो आपको बिल्कुल नए आकार का मतलब कंस किला देखने को मिलेगा। और इसी के जस्ट बगल में ही आपको टूटा फूटा बंजर देखने को मिलेगा, इस साइड में आपको टूटे फूटे आकार में देखने को मिलेगा। ये दो भागों में ये पुराना किला है और है तो दोनों ही वही 5000 वर्ष पुराने किले ही दोनों ही, मगर ये टूटा जाता आकार का और ये थोड़ा बढ़िया तरीके के मतलब थोड़ी अच्छी कंडीशन है, मतलब इसका मरम्मत करवाते रहते हैं इस किले की, तो ये अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे ऊपर चलेंगे अंदर कैसा नजारा है, कैसा कंस का किला है और क्या क्या इसके अंदर आज भी आपको देखने को मिलेगा, सारी जानकारी अपने ब्लॉग में देने वाला हूँ। तो मेरे जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से, बहुत ही अच्छे होने वाला है ब्लॉग, तो जल्दी से चलते बिना देरी करे। तो मैं पहुंच चुका हूँ अब किले के मेन रास्ते पर और ये देख पा रहे हैं ये कंस का किला टीला लगा हुआ, कंस का टीला आपको दिखा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने गाइड लिया है मैंने और ये हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जीव राम इनका नाम है और ये हमें पूरा गाइड देने वाले हैं कि कंस का किला कैसा है, कब निर्माण हुआ, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी दोगे आप हमें, पूरी जानकारी दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रास्ता है यहाँ से और कुल 150 सीढ़ियाँ हैं ऊपर किले की, ऊपर जाने की 150 सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेगी और बहुत अच्छा है किला, बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आपको आज सच्ची वही किला 5000 वर्ष पूर्व वाला किला आज आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर है वही अवस्था में ये किला आज भी। हूबहू एक किले टीले पे रखा हुआ, लिख भी रखा है कंस का टीला, टीला मतलब एक टीले पर ही इस मंदिर का मतलब किले का निर्माण हुआ है, ये देखिए। और उन सीढ़ियों से हम ऊपर चलेंगे जल्दी से और देखते हैं ऊपर क्या क्या जिंदगी, बिल्कुल स्किप मत करना मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी, थोड़ा सा चलते।
तो फाइनली अब नीचे से ऊपर आ चुके हैं 150 सीढ़ियां चढ़कर, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सांस फूलने पर आ गई है और उसी के साथ एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि कंस का किला अब हमारे हूबहू सामने नज़र आ रहा है। ये है कंस का किला और इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो ही 5000 वर्ष वाली चीज़ें आज आपको देखने को मिलेगी जैसे मैं एंटर करूँगा। और हम हमारे गाइड हैं जो यहाँ, ये जीतराम जी जो हमारे गाइड हैं, ये हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये यहाँ के गाइड हैं मैन और ये हमें पूरी जानकारी देंगे यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमें सारी जानकारी दोगे फिर? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल दोगे। तो अब चले बिना देरी करें, ठीक है, अब चलते हैं बिना देरी करें अंदर की ओर। तो जैसे ही हम एंटर हुए तो सर्वप्रथम जो हमें नज़र आया है वही कंस के समय का कुआं, और हमारे गाइड हमें बताएंगे कि इस कुएं का इतिहास क्या है। ये 5000 वर्ष पुराना कुआं है, इसी कंस के किले में ही ढला हुआ कुआं है। ये एक बहुत गहरा कुआं है, हम इसके ओर चलते हैं। तो समझाइए इस कुएं के बारे में। ये कुआं, ये वाला कुआं है सारा, यहाँ से पानी खींच करके यहाँ पे लोग भरा करते थे, नहाया करते थे कंस के उस समय पर लोग। अच्छा। भाई पुरुष थे तो ये जो इसका कंस मतलब इधर से पानी खींचा करते थे, इस जगह से पानी खींचा करते थे, यहाँ से कुआं सोरे में कुआं भी, और इधर से पानी खींचते थे मतलब कुएं का। एक बार कुआं भी मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ वही कंस के समय का। ये वही कंस के समय का कुआं है और बहुत गहरा कुआं है, ये देखिए। बिल्कुल ये वही कुआं है जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल, और इसी से ही कंस के घर में जो पानी हुआ करता था, सप्लाई हुआ करती, इसी कुएं के माध्यम से हुआ करती थी। यही वो कुआं है, बहुत पुराना है, और इसी के जस्ट बगल में ही यमुना नदी आपको नज़र आ रही है। तो फाइनली अब मैं बीचों बीच चौक में आ चुका हूँ और हमारे गाइड जो चारों तरफ जो एरिया है, एक बार एरिया बता देता हूँ चारों तरफ का जो भी एरिया है यहाँ का, उसके बारे में एक एक हमारे गाइड बताएंगे कि ये कंस के महल में ये क्या क्या हुआ करता था। तो गाइड आप हमें बताइए यहाँ क्या क्या हुआ करता था, सब एक एक बार जानकारी दिए नज़दीक से। ये एक पार्क है, पार्क के नीचे एक बेसमेंट है, यहाँ पर बैठक हुआ करती थी। और ये कच्छ, कच्छ हैं ये बने हुए हैं कच्छ, इसमें बैठा करते थे पहले। तो जैसा गाइड ने कहा कि ये कंस के समय में कच्छ हुआ करते, मतलब उनके कमरे हुआ करते थे ये कमरे, और ये एक पार्क हुआ करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खासियत, जो सबसे बड़ा महल है इसके बेसमेंट में महल है, उसका गेट बंद है अभी, अंदर अलाउ नहीं है। वो एक बार नज़दीक से बताता हूँ आपको। आप जैसे ही नीचे की ओर जाओगे तो इधर से एक सीढ़ियाँ हैं नीचे बेसमेंट की, वहाँ पर इससे बड़ा किला है बट वो बंद किया हुआ है। और यहाँ से करीब से हमारे गाइड बताएंगे क्या था ये, मतलब जी पहले तो ये देखिए सर कि 10 फुट की उस समय में दीवार हुआ करती थी चौड़ी, 10 फीट की चौड़ी दीवार हुआ करती थी जैसा हमारे गाइड ने बताया हमें। और इनको दिखाओ जरा, देखो मैं नज़दीक से दिखाता हूँ एक बार आपको गाइड को। ये वही दीवार है आज से 5 वर्ष कंस के समय की, ये देखिए, ये जबी का ही आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत पुराना है, नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखिए उस जबी का बहुत पुराना आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ये दीवार देखिए। तो आप देख रहे हैं एंट्री गेट जो देख रहे हैं, ये उसी के समय का एंट्री गेट हुआ करता था, 5 फीट के आकार का ये गेट है। एक बार थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ, आप इधर खड़े होइए। ये उसी के समय का मैं कहूँ तो ये हाइट सिर्फ इतनी हुआ करती थी इसकी, और इसकी हाइट इतनी हुआ करती थी, और ऐसा गेट का आकार आपको देखने को मिल जाएगा। और इस ऐसा ही सेम ट्रेंड हूबहू ऐसा ही गेट एक इस तरफ है, आपको ऐसा गेट इस तरफ नज़र आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, आप चलते हैं आगे की ओर। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो आपको दो गेट नज़र आएंगे, एक ये जाने का गेट नज़र आएगा और इसके जस्ट वो जाने का गेट नज़र आएगा। और इन दोनों गेटों के बारे में हमारे गाइड बताएंगे इस गेट का इतिहास क्या दे है। तो बताइए, ये चढ़ने की रास्ता थी, और जब यहाँ से चढ़ते थे तो जमला मैया पास में वहाँ के दर्शन हुआ करते थे, इसलिए ये तीन गेट हैं, ये दो नहीं है, ये तीन गेट हैं। एक, अच्छा एक उधर से भी है, दो और ये तीन गेट हैं।
अब चलते हैं आपको आपको तीन गेट देखने को मिलेंगे कि यहाँ से यमुना नदी का नज़ारा देखने के लिए आपको तीन गेट आपको देखने को मिलेंगे और इसके ऊपर चढ़कर यमुना नदी के तट है उसको देखने को मिलता था। अब ऊपर की तरफ चलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में बताइए, दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में बताइए। ये बहुत पुराना पत्थर है, 5000 वर्ष से भी पुराना पत्थर है जो कि हमारे किले में ही अभी भी जिंदा है। और ऐसा ही आपको इधर मिल जाएगा, ये टूटे फूटे पत्थर है, मतलब बहुत बड़ा गेट हुआ करता था, उनके अवशेष यहाँ पर चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये पड़े हुए हैं अवशेष उसी किले के, कंस के किले के, और नज़दीक से दिखाता हूँ और क्या क्या है इस वीडियो के, मतलब किले के अंदर। तो चलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली अब ऊपर की ओर आ चुके हैं, पूरा इतिहास जान के, कंस में कितने कमरे थे, क्या क्या नीचे है और सारी चीज़ों की देखकर आ चुके हैं। अब ऊपर की ओर हमारे गाइड बताएंगे और क्या है यहाँ पर। अब हम किले के ऊपर आ चुके हैं, किले पे से ये सामने ये देखिए दुर्वासा ऋषि का मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये दुर्वासा ऋषि मंदिर है, यहाँ पर बिल्कुल व्हाइट कलर का है और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खास नज़ारा, और ये यमुना मैया आपको यहाँ से दर्शन दे रही होंगी साथ साथ देखिए। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जस्ट बगल में आपको यमुना नदी आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए यमुना नदी का कुछ ऐसा नज़ारा ऊपर से, बिल्कुल पूरा यमुना नदी का पूरा नज़ारा कंस महल से आपको देखने को मिल जाएगा। और कहूँ तो ये किले का आकार बोल तो बड़ा है, किला बहुत ऊंचाई पर टीले पर स्थित ये किला है। और ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो इतना बड़ा किला है, और आज भी ये देखिए उसी 5000 वर्ष पुराने ये पत्थर बने हुए, ये देखिए ये वही पत्थर बने हुए हैं, और ये कहूँ तो वही रेलिंग है। ये देखिए ये पूरी रेलिंग उसी समय की है, कंस के समय की, और आज भी एक सही अवस्था में, बिल्कुल मैं कहूँ तो जर्जर हालत में तो नहीं है, 5000 वर्ष होने के बावजूद भी जर्जर हालत में ये किला नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन और इसकी स्थिति बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छी है। और देखते हैं किले के अंदर और क्या है, बहुत आनंद आ रहा है, कंस के इतिहास को करीब से जानने का आज मौका मिला मुझे और बहुत पसंद आया होगा आपको। ये देखिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और ऐसी रेलिंग है पूरी चारों तरफ, ऐसी रेलिंग है, और देखते हैं क्या क्या इस कंस के मेले में देखने को मिलता है हमें। तो फाइनली अब ऊपर से नीचे की ओर आ गए हैं। मैंने पहले जो पहले कहा आपसे कि बेसमेंट में मेन किला है, तो नीचे की ओर आ गए हैं। अब वो रास्ता ये है, ये नीचे के बेसमेंट में जो नीचे का किला वो ये रास्ता है। अब थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं, देखो कैसा गेट है, कैसा नज़ारा है, अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं। और वैसे हमने एक डंडा ले रखा है क्योंकि चारों तरफ बंदर ही बंदर है, बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि यहाँ फोन या छीन लेते हैं, जो भी सामान हाथ में लगा हुआ है वो छीन लेते हैं। अब इसके अंदर चलेंगे बिना देरी करे, देखते हैं कैसा किला है अंदर से, कंस का वही 5000 वर्ष पूर्व पहले। आइए बोलिए, तुम वीडियो में बोलो क्या बोलना। देखिए ये दूसरा गेट है, चेंज रह रही है। आज आप यहाँ आइए, अब यहाँ आइए, अब यहाँ आइए, आप अब समझाइए आपकी किला का इतिहास क्या है। दूर रहते ये दूसरा गेट है मेन जानने का, इसमें ताला लगा रहता है हर वक्त, इसमें बंदर वगैरह चमगादड़ वगैरह रहती हैं, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। बस यही मैं दे पाऊँगा, राधे राधे। और ये वही रास्ता है मेन कंस के किले का, जैसे हमारे गाइड ने बताया कि ये चमगादड़ वगैरह है चारों तरफ, ये नीचे के बेसमेंट का रास्ता है। और थोड़ा ऊपर से लेके चलूँ तो बिल्कुल देखो सामने जो गेट लग रहा है ये बंद कर दिया गया है यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस किले के अंदर कहा जाता है कि लोगों का कहना है कि किले में जो भी जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस किले को गेट बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर बंदर वगैरह अंदर छुपे रहते हैं चारों तरफ। थोड़ा और ऊपर से दिखाऊं तो मैं आपको, ये देखिए बदबू आ रही है चमगादड़ की, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, यही किला है चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो यही किला है, देखिए। और ये वही सीढ़ियां हैं कंस के किले की समय की, ये देखिए पूरा, मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा मैं खुश हो रहा हूँ कि कंस के किले को आज मैंने करीब से देखा। ये वही दीवार है और ये वही सीढ़ियां और वही कंस के किले का गेट है, ये देखिए। और आपको बहुत खुशी होगी और ये देख बहुत खुशी होगी कि आप आज मेरी वीडियो के माध्यम से कंस के किले को करीब से देख पा रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगी, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, और
जो ऊपर की सीढ़ियां थी वो ये थी, ये देखिए ऊपर की देखिए, और ये नीचे अभी बेसमेंट में इस वक्त, तो नीचे की तरफ क्योंकि ऊपर नहीं जा पाया, गेट लगा हुआ है। मैं नजदीक से एक बार आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूँ। ये मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि डर लग रहा है, क्योंकि मना किया गया कि कंस के किले में अलाउ नहीं है जब भी मैं बिना किसी की। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपन, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं करीब से। सच में रियल में कह सकता हूं कि यही कंस का किला आज भी हूबहू मेरी नजर के सामने है, और आज तक कोई वीडियो नहीं बनी है यहाँ की क्योंकि अलाउ नहीं है, और मैंने आज बहुत ही मशक्कत करके वीडियो बनाई और करी थी क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो बंद है गेट, सामने देखिए नजर आ रहा होगा बंद है गेट, तो हम नीचे की ओर चलते हैं, गेट बंद है ये, यहाँ तक जो मेन गेट था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो नीचे की तरफ चलते हैं, ऐसा नजारा है यहाँ का, और ऊपर से मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो जल्दी से नीचे की ओर चलते हैं। ये किले का एक बार नजारा दिखा देता हूँ, किले का एक चार तरफ से नजारा दिखा देता हूँ। इतना भी का मैंने पूरा इतिहास बता दिया मैंने कंस के किले का, और कितना अंधेरा था और गेट बंद है, पूरी जानकारी मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से दे दी है अब आपको। अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, जितना अभी तक सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ज्यादा मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब एक बार यहाँ की आसपास की जो जगह है, यहाँ की जो नजारे हैं, वो एक बार मैं अपनी वीडियो में कैप्चर कर लेता हूँ कि कैसा है। जो कंस के किले में जितना भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बाकी यहाँ पर अलाउ नहीं, जो मेन जो अंदर है बेसमेंट, जो ऊपर ऊपर का, वो मैंने पूरी जानकारी अपने ब्लॉग में दे दी है। और बाकी बेसमेंट में जो गेट बंद है, जैसे मैं अभी आपको लेके गया, बिल्कुल चारों तरफ चमगादड़ है, मतलब ऐसी डरावनी जगह है, मैं खुद डर गया और नीचे की ओर आ गया। अब चलते हैं आसपास की जगहों को देखते हैं कि कैसी है कैसी नहीं है, तो चलते हैं आगे की ओर। ये वही दीवार आ गई कंस के लिए, और आप देख पा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खासियत ये वही दीवार है, देखिए वही कंस के दीवार है जिसको मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए पूरा किला यहाँ से लेके, यहाँ से लेके और वहां तक पूरा किला वही है कंस का किला जो आप देख पा रहे हैं चारों तरफ, और वही 5000 फुट पहले का किला है। और आसपास की चीजें नीचे जाकर देखते हैं, किले से नीचे की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या चीजें हैं यहाँ ठहरने की, कोई भी चीज जो भी होगा मैं आपको नीचे जाकर बताता हूँ। तो मिलते हैं नीचे की ओर। Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि कंस का किला कैसा है, कितना साल पुराना है, क्या क्या देखने को मिला, और बाहर आते ही मैंने आपको बाहर का यमुना तट का पूरा पूरा नज़ारा दिखाया, बोटिंग दिखाई, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कंस के किले की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दी। तो ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ऐसी ऐसी आगे वीडियो आएंगी। और जैसे मैं कंस के किले से बाहर निकला तो बाहर का मैंने नज़ारा बताया, ठहरने की व्यवस्था बताई मैंने, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्लॉग के माध्यम से दी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो आएंगी आगे आगे, तो सपोर्ट करना भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।